तो इस वीडियो पे हम सीखेंगे कैसे आप बोलेरो पिकअप को पहली बार अगर आप चला रहे हैं तो कैसे इसमें चलाएंगे, वो भी बताते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वीडियो को कंप्लीट आपको इसमें वीडियो को कंप्लीट देखना है तो हर एक चीज़ इसमें आप समझ जाएंगे कैसे आप बोलेरो पिकअप को चला पाएंगे। तो सबसे पहले जो बात होगा कि आप यहाँ पे कई फील्ड पे आप अगर कोई आपके पास कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर को ला सकते हैं, अन्यथा अगर पहली बार आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो स्टेप होगा, स्टेप क्या करना है वो भी बताते हैं। तो चलते हैं पहले आपको ड्राइवर सीट पे, और वहाँ पे आपको बताते हैं कैसे गाड़ी को आप चलाएंगे पहली बार। ये 1.7 बोलेरो पिकअप है और यहाँ पे आपको अगला जो स्टेप है वो बताते हैं। तो सबसे पहले आप चाबी को यहाँ पे एक बार इस तरह करेंगे और आपको यहाँ पे क्लच दबा के, ये जो क्लच है देख सकते हैं, क्लच को दबा के पूरा गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना है इस तरह। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हमने न्यूट्रल कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आप पहले यहाँ पे देखिए, अभी डिजिटल मोटर या मीटर में कहीं कुछ इस पे यहाँ पे इग्निशन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको एक बार स्विच देखिए इस तरह इग्निशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको हल्का सा इसमें टाइम लेगा, तो आपको हल्का सा वेट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा साउंड, BS6 इंजन है, तो आपको हल्का सा इसमें वेट करना है। वेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक पैर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्लच है, तो आप ऐसे आपका जूता है तो जूता पहने, ठीक है ना। तो मैं ऐसे चप्पल को हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा खाली पैर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सलेटर यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये एक्सलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है, ठीक है ना। तो आपको क्लच पूरा प्रेस करना है इस तरह और गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करने के बाद आपको चाबी को इग्निशन को एक बार इंजन को स्टार्ट कर देना है। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी का साउंड भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ये जो क्लच है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम ये जो बता रहे हैं, ये देखिए ये क्लच को पूरा प्रेस करना है आपको। और यहाँ पे ये जो है गियर, यहाँ पे न्यूट्रल पूरा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको एक गियर लगाना है, और एक गियर लगाने के बाद आपको ये जो क्लच है धीरे धीरे छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे इस तरह है, और यहाँ पे हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। आपको यहाँ पे देखिए ये जो क्लच है धीरे धीरे आपको यहाँ पे छोड़ना है। और ये ब्रेक, जब भी आप ब्रेक मारेंगे, ये ब्रेक जो है एक्सीलेटर को आपको नहीं छूना है, ठीक ना। जब पहली बार सीख रहे हैं तो एक्सीलेटर को आपको नहीं छूना है, बल्कि ये जो ब्रेक है ये ब्रेक को ही जो भी आप प्रेस करना है, ब्रेक को ही ऐसे जब भी आप ब्रेक को प्रेस करेंगे तो आप इसको इसी को धीरे धीरे इसको दबाना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। ये जो ब्रेक है ये ब्रेक अभी नहीं दबाना है, बल्कि धीरे धीरे एक पैर ब्रेक पे आप रख सकते हैं, और ये जो क्लच है पूरा दबा के रखना है। उसके बाद गियर को यहाँ पे एक गियर पे रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम गियर को यहाँ पे पैर धीरे धीरे छोड़ेंगे और वहाँ पे गाड़ी बढ़ेगा। धीरे धीरे आपको यहाँ पे ऐसा छोड़ना है, धीरे 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 छोड़ना है। और अभी देखिए अभी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ा है, और अभी यहाँ पे ये बढ़ेगा, देखिए धीरे धीरे हम अभी कर रहे हैं तो गाड़ी ये देखिए बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस तरह यहाँ पे ये गाड़ी बढ़ गया है पूरा। और जैसे आप पहली बार चला रहे हैं तो गियर को ज़्यादा इसमें चेंज आप ना करें तो अच्छा होगा। एक गियर में धीरे धीरे आप पूरा यहाँ पे सीख लें। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम इसके अंदर है और एक गियर में गाड़ी चल रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि हम मतलब शिक्षा को बंद करते हैं, और जब भी आप एक मिनट के लिए जब भी आप ब्रेक को प्रेस करें तो क्लच को पूरा प्रेस करने के बाद, ऐसा मान लीजिए गाड़ी जब आपको रुकने वाला है तो आप क्लच प्रेस करके ही आपको इस तरह रोकना है, अन्यथा आपको इस तरह नहीं रोकना है। तो मैं जरा सा ये विंडो नॉइस आ जाएगा इसलिए हम यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए अभी न्यूट्रल है, फिर से हम यहाँ पे प्रेस किए और यहाँ पे ये जो गियर है एक गियर लगाएंगे और फिर से यहाँ पे देखिए गाड़ी अपना बंद है और फिर से ऐसा बढ़ा रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ गया। तो इस तरह आप अगर आप पहली बार गाड़ी चलाएं तो एक गियर में चलाएं, उसके बाद धीरे धीरे आपको हल्का सा फिर से क्लच दबाना है पूरा और दो गियर लगा देंगे। दो गियर लगाने के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है। और यहाँ पे अगर उबड़ खाबड़ रास्ता है जो भी है, तो आप उसमें से अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे देखिए अभी हम
जैसे जैसे हम बताते जाते हैं रोड ज्यादा खराब है, इस कारण से यहाँ पे हम दो गियर में चला रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे एक गियर कर देना है क्योंकि पहली बार आप यहाँ पे चला रहे हैं हमें। तो देख सकते हैं इस तरह आप यहाँ पे अगर गियर आप चेंज नहीं किए हैं तो इसमें अगर आप कुछ भी अगर आप इनमें से कुछ फॉल्ट आपका होता है तो आप गाड़ी इसमें बंद हो सकता है। तो इस कारण से आपको यहाँ पे जब भी आप और क्लच पे अभी हमेशा क्लच पे आपको हमेशा पैर नहीं रखना है क्योंकि अगर पैर उसमें आप रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो उबड़ खबड़ रास्ता है यहाँ दोस्तों, देख सकते हैं। तो गाड़ी को धीरे धीरे हम एक गियर पे चला रहे हैं और आपको भी यहाँ पे बताते जा रहे हैं कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अभी एक गियर ला के हम छोड़ दिए हैं और गाड़ी एक गियर में ही चल रहा है और इनमें से आपको यहाँ पे देख सकते हैं रास्ता भी बहुत खराब है, ठीक ना। ये सब मत नहीं कि रास्ता सही है, यहाँ पे रास्ता बहुत खराब है और गाड़ी को हम एक गियर में ही ले जा रहे हैं। और आपको ये पहली बार से आप बढ़िया रोड में आप चलाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पे खराब यहाँ पे रोड है, इस कारण से हम यहाँ पे आपको पूरा बता रहे हैं। तो जब भी आप चलाएंगे तो बढ़िया से रोड में आपको ले जाना है और उस तरह वहाँ पे आपको ट्राई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे के साथ बजेगा फिल्म तक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।